हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर सदा फामरिंग, करंटली परसुइंग एमडी इन पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डीयूबी के बारे में। डीयूबी क्या होता है? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग कॉज बाय हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ट्यूमर, इन्फेक्शन, कॉगुलोपैथी। सबसे पहली बात इसके अंदर जिसकी डेफिनेशन में है, ये एक तरीके की क्या है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, यानी ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है। जो किस वजह से होती है? हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ट्यूमर, इन्फेक्शन एंड कॉगुलोपैथी, यानी इसके जो ब्लीडिंग होने का जो कॉज है वो है क्या है? हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी हार्मोनल कॉज है इसका। ना तो कोई प्रेगनेंसी है, ना ही ट्यूमर है, ना इन्फेक्शन है, ना कॉगुलोपैथी, ये सारे जो हैं इसके कॉजेज नहीं है। यानी ड्यू तो यह हमने हमारे जो बात समझ आई कि ड्यूबी क्या है, एक तरीके की क्या है? हार्मोनल ब्लीडिंग है। इसमें क्या होता है? हमारे एंडोक्राइन ओरिजन से होती है, या एंडोक्राइन ओरिजन होता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी इसकी तो किसी इम्बैलेंस की वजह से होती है, या फिर जो हमारा एच पी एक्सिस डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है। ठीक है, हार्मोन्स इसके अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। ड्यूबी एक टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है उन फीमेल्स के अंदर जिनके अंदर अगर हम बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारा कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, नॉर्मल आता है, अपेंडेजेस भी नॉर्मल होते हैं इसके अंदर। तो यानी कि ड्यूबी जो होता है प्योरली क्या होता है? हार्मोनल ओरिजन होता है इसका। एंड इसके अंदर क्या होता है? हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लोजिया जो होता है एंडोमेट्रियम का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरीके की जो कोई भी ब्लीडिंग होगी तो उसको बोला जाएगा डीयूबी। डीयूबी किसको बताया हमने? डीयूबी क्या होता है? प्योरली हार्मोनल ओरिजन होता है इसके अंदर। इसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर हाइपरट्रॉफी होने लगती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है एंडोमेट्रियम का। इसकी वजह से होता है ये कि बॉडी के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरह की जो ब्लीडिंग होगी उसको बोला जाएगा डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन एवोल्यूशन, कंटिन्यूस ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन एंड नॉन सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होता है कि इसमें ओवोल्यूशन नहीं होता है। किसके साथ एसोसिएटेड होती है? इसमें ओवोल्यूशन नहीं होता, साथ में एस्ट्रोजन का जो होता है कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहता है ओवरी से। और एंडोमेट्रियम हमारी कैसी होती है? नॉन सिक्रेटरी होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज किया जाता है। डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज क्या है? मोस्ट कॉमन क्या होता है? नॉर्मल एंडोमेट्रियम देखने को मिलते हैं। जब आप इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्यूरेटाज करते हैं जानने के लिए कि ड्यूबी क्यों हो रही है, तो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि हमारी एंडोमेट्रियम क्या है? नॉर्मल। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या होती है ड्यूबी की? नॉर्मली ये होता है जो एंडोमेट्रियम होती है हमारी यूट्रस की, वो क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती है फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड क्या है? ये फैटी एसिड है। पैथोलॉजी ऑफ ड्यूबी को समझने से पहले हम नॉर्मल पैथोलॉजी समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हमारे ये होता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि प्लेटलेट्स का क्या होता है? एडिशन होता है। जब प्लेटलेट्स का एडिशन होता है तो उसके अंदर प्लेटलेट जो होते हैं फिब्रिन के साथ सील करते हैं विद ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो होती है प्रिपेयर हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम जो होती है शेड होने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद लेकिन ड्यूबी में ये होता है कि जो पी जी ई टू एंड पी जी आई टू क्या है? ये क्या है? वेजो डायलेटर है और एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स हैं। उसके अलावा जो पी जी एफ टू है, एफ टू अल्फा एंड थ्रोम्बोक्सिन ए टू, ये क्या है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या कराते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है इनके सिक्रीशन के लिए, यानी इनका जो सिक्रीशन होता है पी जी ई टू एंड आई टू का, और एफ टू अल्फा थ्रोम्बोक्सिन ए टू का सिक्रीशन कौन होता है? प्रोजेस्ट्रॉन कराता है। जब साइकिल हमारी एनोवोल्यूटरी होती है, यानी ड्यूबी के अंदर हमें पता है कि साइकिल कैसी होती है? हमारी एनोवोल्यूटरी होती है। ठीक है, एनोवोल्यूटरी यानी उसके अंदर ओवोल्यूशन नहीं होता। अब जब किसी के अंदर ओवोल्यूशन नहीं होगा तो उसके अंदर किस हार्मोन की कमी हो जाएगी? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाएगी। तो वही इन्होंने बात बोली है यहाँ पर कि जब एनोवोल्यूटरी साइकिल होती है तो उसके अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है? या तो एब्सेंस होती है या लो लेवल होता है पी जी एफ टू अल्फा, जिसकी वजह से क्या होता है? मेनोरेजिया होता है। हमने ये बताया आपको जो एंडोमेट्रियम होती है नॉर्मली क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती रहती है। कहाँ से? फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड से। पी जी ई टू एंड आई टू क्या है? ये वेजो डायलेटर हैं, ये डायलेट करते हैं, ये एंटी प्लेटलेट एग्रीगेट्स हैं। उसके पी जी एफ टू अल्फा एंड थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेट है। इनको जो सिक्रीट कराता है वो सिक्रीट कराता है प्रोजेस्टेरॉन। अब जब किसी की साइकिल एनोवोल्यूटरी होगी तो उसके अंदर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हमारा एब्सेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एब्सेंस होगी या लो लेवल होगी पी जी एफ टू अल्फा की एंड मेनोरेजिया की। तो ये हम जानते हैं कि पी जी ई टू
PGF2 एंड PGE2 क्या हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रेशियो है ये हमारे PGF2 एंड PGE2, ये क्या हो जाते हैं नॉर्मल क्या होते हैं, ये क्या होता है लो हो जाते हैं, जबकि ये हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर हाई रहता है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, वहाँ से ब्लड जो होता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिक्रीट नहीं होता। लेकिन DUP के अंदर क्या होता है, ये जो PGE2 एंड PGF2 हैं इनका जो रेशियो है ये क्या होता है हमारा क्या होता है लो हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगता है वैसो डायलेशन होने लगता है। अब जब कहीं पे वैसो डायलेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा एबनॉर्मली ब्लड का डिस्चार्ज होगा, तो यही इसकी थ्योरी है। इसमें क्या होता है ये रेशियो हमारा कम हो जाता है जबकि नॉर्मली हमारा हाई रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अलावा एक और हार्मोन है थ्रोम्बोक्सिन A2, ये क्या होता है ये भी हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये भी क्या होता है हमारा जब DUB होता है किसी को तो लो हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगता है वैसो डायलिटेशन होता है, वैसो डायलिटेशन होगा तो क्या होगा एबनॉर्मल क्या होता है ब्लीडिंग वहाँ पे होने लगती है। उसके अलावा क्या होता है TPA क्या है, टिश्यू प्लाज्मेनोजन एक्टिवेटर है जो इंक्रीज़ करता है फिब्रिनोलिसिस को, जिसकी वजह से क्या होता है मिनोरेजिया। ठीक है, TPA क्या है, ये क्या है फिब्रिनोलोजिन प्लाज्मा फिब्रिनोलोजन एक्टिवेटर है, जिससे क्या होता है फाइब्रिनोलिसिस होती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है मिनोरेजिया होता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी इसके अंदर पैथोजेनेसिस के अंदर, पहले तो पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन रेशियो, PGE2 एंड PGF2 के बारे में पढ़ा क्या थ्योरी है इसके अंदर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू प्लाज्मेनोजन एक्टिवेटर क्या होता है, इससे भी क्या होता है फिब्रिनोलिसिस बढ़ती है, जिसकी रिजल्ट में भी क्या होता है मिनोरेजिया होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, यानी DUB को क्लासिफाई किया गया दो तरीके से, या तो वो एनोवुलेटरी होगी या फिर ओवुलेटरी होगी। मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है DUB क्या होता है एनोवुलेटरी होता है, 80% लोगों के अंदर DUB एनोवुलेटरी होता है। एनोवुलेटरी का मतलब क्या है, उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी क्या होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, एनोवुलेटरी का मतलब ये है यानी इसमें जो होता है साइकिल कंटिन्यूस नहीं होती हमारी, ये एक डिस्टर्बेंस होता है या इरेगुलर साइकिल होती है, डिस्टर्ब साइकिल होगी या इरेगुलर साइकिल होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा DUB होगा। इसके अंदर हम बात करते हैं थ्रेशहोल्ड ब्लीडिंग होती है, जैसे कि प्यूबर्टी मिनोरेजिया में होता है, प्यूबर्टी के दौरान जो मिनोरेजिया होता है वो एक तरीके की एनोवुलेटरी साइकिल होती है। उसके अलावा क्या होता है मेट्रोपैथी का हेमरेजिका की बात करते हैं इसके अंदर एनोवुलेटरी के अंदर, और उसके अलावा हम बात करते हैं प्री मीनोपॉजल डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, यानी मीनोपॉज से पहले वाली जो ब्लीडिंग होती है डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, वो भी क्या है एक एनोवुलेटरी ब्लीडिंग है। एक तो प्यूबर्टी मिनोरेजिया हुआ, एक मेट्रोपैथी का हेमरेजिका हुआ, एक मीनोपॉज से पहले वाली जो ब्लीडिंग होती है वो भी क्या है एक तरीके की एनोवुलेटरी ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं ओवुलेटरी, यानी एक जो DUB का कॉज होता है क्लासिफिकेशन है वो ओवुलेटरी है, लेकिन ये 20% लोगों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है जो ब्लीडिंग होती है या तो वो इरेगुलर शेडिंग की वजह से होती है या वो इरेगुलर रैपनिंग की वजह से होती है, या हो सकता है कि IUCD इंसर्शन की वजह से हो सकती है, या हो सकता है कि कोई स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हुआ हो जिसकी वजह से क्या होता है ओवुलेटरी टाइप की DUB हो रही है, या फिर जैसे कि हम देखते हैं ओलिगोमेनोरिया के अंदर होता है। ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होता है ये भी एक तरीके की क्या है डिसफंक्शनल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है हमारा जो ब्लीडिंग होती है वो 35 डेज के बाद होती है, यानी जो लेंथ ऑफ द साइकिल होती है वो हमारी बढ़ जाती है। किस वजह से हो जाती है, क्योंकि प्रोलोंगेशन हो जाता है पॉलीफ्रेटिव फेज का। उसके अलावा हमने बात की थी पॉलीमेनोरिया की, पॉलीमेनोरिया में क्या होता है जो हमारी साइकिल की लेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी हमारे मेंसेस जो आने लगते हैं वो कितने दिन पर आने लगते हैं लेस देन 21 डेज पर आने लगते हैं। किस वजह से होता है, ड्यू टू द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिक्यूल ड्यू टू FSH, यानी ओवरी के अंदर जो होते हैं फॉलिक्यूल वो हाइपर स्टिमुलेट होने लगते हैं, टाइम से पहले स्टिमुलेट होने लगते हैं, किसकी वजह से FSH की वजह से। और इसमें क्या होता है जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है वो शॉर्ट हो जाता है, उसके अलावा जो ल्यूटियल फेज हो जाता है वो भी शॉर्ट हो जाता है। किस वजह से, ड्यू टू द प्रीमैच्योर लाइसिंग ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, क्योंकि प्रीमैच्योर क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम का लाइसिंग हो जाती है, तो यहाँ जो साइकिल शॉर्ट हुई उसकी वजह से क्या हुआ ब्लीडिंग हो रही है, साइकिल जो शॉर्ट हो रही है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और साइकिल जो शॉर्ट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज शॉर्ट हो गया है और ल्यूटियल फेज के अंदर डिफेक्ट हो गया है। उसके अलावा हम इसमें बात करते हैं मीनोरेजिया के अंदर, मीनोरेजिया के अंदर भी क्या होता है कि मीनोरेजिया के अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है और उसके अंदर ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाता है, यानी 80 ml से ज़्यादा होती है और ग्रेटर देन 5 डेज होती है। मीनोरेजिया भी दो तरीके का हो सकता है, या तो वो ओवुलर हो सकता है या एनोवुलर हो सकता है। ओवुलर के अंदर हम मीनोरेजिया जो बात करते हैं वो इस तरीके का होता है, इसके अंदर क्या होता है ब्लीडिंग जो होती है ग्रेटर देन 80 ml होती है और ड्यूरेशन जो होता है ब्लीडिंग का वो ग्रेटर देन 5 डे होता है। जो एनोवुलेटरी मीनोरेजिया होता है वो किस तरीके का होता है, जैसे कि प्यूबर्टी मीनोरेजिया होता है, या फिर प्री मीनोपॉजल जो ब्लीडिंग होती है वो भी एक तरीके का मीनोरेजिया होता है, या फिर मेट्रोपैथी का हेमरेजिका होता है, ये भी क्या होता है एक तरीके का एनोवुलर मीनोरेजिया होता है। तो हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन को DUB के दो तरीके से, एनोवुलर एंड ओवुलेटरी। और ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली DUB का जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो एनोवुलर होता है, यानी 80% लोगों के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो एनोवुलेटरी ब्लीडिंग होती है।
एक पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लें कि अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए कि इफ़ प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिज़ायर, यानी अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको DU भी है, उसके अंदर प्रेगनेंसी डिज़ायर नहीं है, तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर प्रेगनेंसी डिज़ायर नहीं है, तो DUB वाले पेशेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और अगर उसको प्रेगनेंसी डिज़ायर है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, क्लोमीफीन। ये आपको याद रखना है, ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है दोबारा भी। तो ये क्या है कि अगर नहीं डिज़ायर है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और अगर डिज़ायर है प्रेगनेंसी तो हम इस्तेमाल करेंगे क्लोमीफीन।